द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधुआ भी हम लोग हैं बद्दोवाला टोल प्लाजा पर और यहाँ पर भाई किसानों की महापंचायत चल रही है। चौधरी काशीराम नैन की पुण्यतिथि मनाई जा रही है जो उनके पुत्र हैं जोगिंद्र सिंह नैन और जो आसपास के किसान हैं भारी संख्या में जुटे हुए हैं। और महिलाएं की बात करें तो वही महिलाओं की संख्या है जो यहाँ पर जो आदमी है मतलब कि पुरुष है उनसे ज़्यादा है। तो हमारे साथ पूनम पात्र जी हैं जो किसान नेता उनसे बातचीत करेंगे। पूनम जी, इस किसान आंदोलन में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहोगे? सबसे पहले लोकल एक्सप्रेस चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने पूनम पात्र सूर्यवाड़ा के हाथ जोड़कर राम राम। और जो मेरे पत्रकार भाई हैं इन्हें मैं सल्यूट करना चाहूँ जो हमारे जो 10 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए जो जन जन तक पहुँचा रहे हैं जो मातृशक्ति है। देखो अब तो बल्कि कपास की चुगाई का टाइम आ रहा है जी, मतलब किसी ने फुर्सत भी कोनी मतलब एक पैर रखने की भी वो बाज काम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी मातृशक्ति देखो खेत का काम छोड़कर आज भी मतलब पुरुषों से ज्यादा संख्या आज मेरी महिलाओं की। और मैं इन्हें सलाम करूँ मेरी माताओं ने जो दुनिया का और मैं कहूँ अपने इतिहास का पहला आंदोलन है जिसमें मेरी मातृशक्ति ने इतना बड़ा बलिदान दिया है जो तन मन धन से इसमें आंदोलन में लगी हुई है। और पूनम जी, अगर सरकार की बात करें तो जो कट्टर सरकार है लगातार साजिश कर रही है किसानों के खिलाफ, बोल रही है बॉर्डर से किसानों को हटाएंगे उसको लेकर क्या कहोगे? जी मोदी ने तो कभी ना कि मैं चाहिए है टांग फसाने की जगह हमारा आंदोलन 10 महीने हो गए। इसने शुरू में कहा किसान ने कौन ये बैठे हैं ईब को हम ले रास्ता रोके बैठे हैं। हम तो 1 फुट जगह भी कौन रोक रहे हैं, हम तो अपने बॉर्डर में बैठे हैं जगह तो हमने रोक रखी बैरिकेड लगा के तेरे बैरिकेड हटा लियो। हमने आज ऐलान कर दिया है हमारा संयुक्त मोर्चा मोर्चा ने और हमने भी कि 1 फुट हमारी झोपड़ी की जगह भी नूना नूना कौन सरकेगी जब तुम सरकार का देख लो जब तेरे में हिम्मत हो जो सारी मोदी सरकार में खट्टर सरकार में हमारा किसान ने जो कह दिया वो कह दिया। 10 महीने हो गए अपने आंदोलन खातर हम लड़ाई करने लग रहे हैं लेकिन यह बात बर्दाश्त को नहीं होगी तो हम कदे कदे हो किसान को नहीं कदे कदे हुई बिल्ली जगह रोक रखी है जगह तो हमने रोक रखी है ये कील गार्ड रखी है कितनी बड़ी और कितनी कितनी बड़ी बैरिकेड लगा रखे हैं किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा। और पूनम जी, जो अपने गृह मंत्री अनिल विज वो बोल रहे हैं तो किसान आंदोलन है ही नहीं ये तो गदर है एक तरह से किसान कुछ भी करते हैं। हाँ गदर गदर तो हमने मचा रखा था और दिखाया दिया करनाल में धरती सिद्धि हो गई था हमें जिसे कदे लाठी चलाया करते कदे डंडे चलाया करते ये मार कर दिखा था हम लाठी डंडे। मैं कहना चाहूंगी सरकार ने हम गांधीवादी नीति है कौन ही हम हाँ भगत सिंह के वंशज अब तो हम सोच दो एक गल पर मारोगे दूसरा गल आगे कर देंगे ना एक गल पर मारोगे नहीं तो दो तारा मारेंगे क्योंकि हमने किसान ने सेंस करते हुए 10 महीने हो गए और अपना आंदोलन मतलब अपने पूरे सहन शक्ति से चलाने लग रहे हैं ना कोई हमने आज तक तोड़ फोड़ करी अब अपने आंदोलन ने आपसी भाईचारा से चलाने लग रहे हैं। लेकिन हमने मतलब मर्यादा की भी कोई याद हुआ है तो हमने इतनी गुंडागर्दी दिखा दी कि हमारे जो 80-80 साल के बुजुर्ग थे उनका सिर फोड़ दिया उनका लहूलुहान कर दिए लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तैयार हैं बस हमने संयुक्त किसान मोर्चा की काल की देर है हम अपना आंदोलन जीत चुके हैं बस एक ऐलान बाकी है हमने कदे भी कॉल आ जाओ हम तैयार हैं बलिदान देने खातर देख रहे हैं खट्टर सरकार कितने का मोदी सरकार बलिदान नहीं ले होगी हम तैयार हैं बिल्कुल बलिदान देने। पूनम जी, जो दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला वो बोल रहे हैं दुष्यंत चौटाला इस्तीफा क्यों दे लेना है तो बोले केंद्र सरकार पे करो अटैक करना है तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं लगातार ये तो जी सरकार कदे बीजेपी वाले कदे जेजेपी वाले कुछ भी बोलने लग रहे हैं। अगर जो इस्तीफा देना चाहता था नहीं हमने आंदोलन करते 10 महीने हो गए हमने कहा था जो हमारे अफगानी हमारे साथ है इस्तीफा दे करना चाहोगा तो किसान बिरादरी उसका स्वागत करे है लेकिन ये सरकार का नशा मशहूर हो रहे जी ये नहीं छोड़ेंगे अपना पद ये इस्तीफा देना तैयार को नहीं। अगर किसान का हक में है तो अपना इस्तीफा देकर हमारा साथ आओ हम उनका स्वागत करे है उनका धन्यवाद भी करा है। जी धन्यवाद। देखो भाई ये हमारे साथ पूनम पात्र जी, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।